बिहार पुल निर्माण निगम के कार्यपालक अभियंता के घर और कार्यालयों में एक साथ निगरानी विभाग ने छापेमारी की, तो छापेमारी में उनके घर से 98 लाख रुपए नगद, 78 लाख रुपए के जेवरात, 3 किलो चांदी, कई जमीन के कागजात, इंश्योरेंस कंपनी के कागजात, कई बैंक अकाउंट, एटीएम कार्ड बरामद हुए। वहीं कुछ जमीन बिहार पुल निर्माण निगम के कार्यपालक अभियंता श्रीकांत शर्मा के नाम पर थे, तो कुछ जमीन के कागजात उनकी पत्नी के नाम पर। निगरानी टीम ने कार्यपालक अभियंता श्रीकांत शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। उनके घर भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र अंतर्गत हनुमान नगर कॉलोनी से मिले सभी सामान व कागजात तथा भूषण को निगरानी टीम ने जब्त कर लिया है। आगे की प्रक्रिया के लिए रणनीति बनाई जा रही है। वहीं निगरानी टीम के अधिकारी ने बताया कि हम लोगों को पता चला था कि बिहार पुल निर्माण निगम के कार्यपालक अभियंता श्रीकांत शर्मा के पास आय से अधिक संपत्ति है, इसलिए हम लोगों ने छापेमारी की और उनके पास से 98 लाख रुपए, 78 लाख रुपए के आभूषण, 3 किलो चांदी, कई जमीन के कागजात, कई बैंक के अकाउंट और इंश्योरेंस कंपनी के कागजात, एटीएम आदि मिले हैं, जिसे हम लोगों ने जब्त कर लिया है। वहीं कार्यपालक अभियंता को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। छापेमारी लगभग 11:15 बजे के लगभग शुरू की गई थी और अभी तक जो है जारी है। अब तक जो सामने आया है उसमें 97 लाख से ऊपर की नकदी मिले हैं इनके घर से, और गोल्ड ज्वेलरी लगभग 66 लाख के मिले हैं, 3 किलो चांदी है जिसका वैल्यूएशन ज्वेलर्स के द्वारा लगभग 1.25 लाख के ऊपर किया गया है, और ज़मीन के कई कागजात मिले हैं जो राज्य के अंदर के भी हैं, राज्य के बाहर के भी हैं, इंश्योरेंस के कई कागजात मिले हैं, कई बैंक अकाउंट्स मिले हैं जो इनके अपने नाम पर, इनकी पत्नी के नाम पर, इनके बच्चों के नाम पर है, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस वगैरह में कई निवेश के कागजात मिले हैं जिनकी स्क्रूटनी की जा रही है। ज़मीन सर कितनी के नाम पर है? जमीन इनके नाम पर है, इनकी पत्नी के नाम पर है। मैं संजय जायसवाल, DSP विजिलेंस, मेरे साथ हैं मिस्टर संजीव इंस्पेक्टर विजिलेंस, पुलिस इंस्पेक्टर मिथिलेश जायसवाल, पुलिस इंस्पेक्टर सत्येंद्र राम, और इस तरह ये 10 सदस्यों की विजिलेंस ऑफिसर्स की टीम है। हाँ, बैंक कई अकाउंट मिले हैं, ATM कार्ड मिले हैं, इंश्योरेंस में लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के कई कागजात मिले हैं जिनकी स्क्रूटनी की जा रही है। पुलिस जिला नौगछिया के खरीक थाना क्षेत्र के मिर्जाफरी में एक युवक को खूंटे से बांधकर जमकर मारपीट करने और विधि व्यवस्था को हाथ में लेकर युवक का सर को आधा मुड़वाकर पूरे मिर्जाफरी गांव में घुमाने का वीडियो वायरल होने का मामला प्रकाश में आया है। वीडियो में उक्त युवक पर गांव की लड़की भगाने का आरोप था। माफीनामा के 4 माह बाद लड़कियों और महिलाओं से अश्लील हरकत करने से आक्रोशित ग्रामीणों ने शादीशुदा आइसक्रीम विक्रेता युवक को पकड़कर खूंटे से बांधकर जमकर पीटा और आधा सिर का बाल मुड़वा कर पूरा गांव घुमाया। बहुत गर्म होकर अब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है पूरे बिहार का सबसे बड़ा और प्रीमियम सैलून लुक सैलून। लुक सैलून में आपको लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए सर्विसेज उपलब्ध है। लेडीज के लिए हेयर स्टाइलिंग, पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, हेयर टेक्सचर, हेयर ट्रीटमेंट, फेशियल एंड रिचुअल्स, हैंड्स एंड फीट, नेल केयर जैसी सुविधाएं, तो जेंट्स के लिए हेयर कट एंड फिनिश, हेयर कलर, हेयर टेक्सचर, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन केयर, बियर्ड ग्रूमिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। लुक सैलून अपनी सभी प्रकार की सर्विसेज पर 20% की भारी छूट दे रही है। तो अगर आप भी लुक सैलून के बेहतरीन प्रीमियम सर्विसेज की चाहत रखते हैं तो अभी बुकिंग कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए आप मोबाइल नंबर 9199062666 पर संपर्क कर सकते हैं या फिर www.looksalon.in पर जाकर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। भागलपुर शहर के बीचों बीच खंजरपुर के पास भवानी कन्या मध्य विद्यालय अवस्थित है, जिसमें सैकड़ों बच्चे पढ़ाई करते हैं। वहां उन्हें मिड डे मील का खाना दिया जाता है, लेकिन यह जानकर आप चौंक जाएंगे कि अगर आपको यह खाना दे दिया जाए या आपके बच्चों को यह खाना दे दिया जाए तो शायद यह भोजन आप अपने बच्चों को कभी नहीं खिलाएंगे। आए दिन मिड डे मील खाने में बच्चों के द्वारा लगातार शिकायत की जा रही है। जब बच्चे प्रचार
या मिड डे मील के प्रभारी या शिक्षक से कहने जाते हैं तो उन्हें कड़े शब्दों में शांत करा दिया जाता है कि खाने की गुणवत्ता के बारे में गलत शिकायत नहीं करनी है वरना सजा मिलेगी। अब लाचार बच्चे क्या करें, कीड़े वाले खाना खाएं या फिर उन पदाधिकारियों और प्रचार शिक्षकों की बात माने। बच्चों ने जब गार्जियन को यह बात बताई तो गार्जियन लोग दर्जनों की संख्या में स्कूल पहुंचे और घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चला। अभिभावकों का कहना था कि मेरे बच्चे यहां से मिड डे मील की प्रत्येक दिन शिकायत करते हैं कि खाने में कीड़ा निकल रहा है, लेकिन यहां के पदाधिकारी बच्चों को जबरन मना करते हैं, यह कहां तक सही है? क्या शिक्षक अपने बच्चों को यह कीड़े वाला खाना खिलाएंगे? वहीं प्रचार ने मिड डे मील के पदाधिकारियों को सुधार करने की बात कही है। एक पदाधिकारी आए थे, वो बोल के गए थे तो कल कीड़ा निकला था साथ खाना में, वही स्कूल में हल्ला हुआ, तो वो बोल के गए थे कि हम लोग की क्लास में आए थे तो बोले क्या जो भी खाना मैंने खा लिया था तो कोई दिक्कत नहीं है। सर बोले क्या बोले? क्या बोले सर? क्या नाम था सर का? सर हमारे दो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। किस स्कूल में? भवानी राव राघवानी कन्या मध्य विद्यालय, ये स्कूल में पढ़ते हैं सर। मैं कहाँ है ये सर? छोटे खंजर को एसएमपी रोड पढ़ता है। हमारे सर दो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, हम जब काम करके जब घर आए हैं तो बच्चे बोले पापा खाना में निकला कीड़ा निकला है, तो सर हम उसमें एक्टम नहीं लिए। फिर कल रात में सर यही बात बोला बच्चा फिर से, सर खाना निकला किला जब यहाँ पे आए सर तो मुझे चला पता, जब मैं सबसे बात की टीचर से बात की है, वो बोला कि हाँ निकला तो है लेकिन हमको बोलने के लिए मना किया, हम नहीं बोल सकते ये बात। तो सर हमारे जो बच्चे का खाना जो किया निकल रहा है इस चीज को लेकर के हम लोग सब पूरा जितने पेरेंट्स हैं सब मिल करके आए हुए हैं, लेकिन खाना रेगुलर अच्छे से बनता भी नहीं है। चावल जो बनता है सही से धोया नहीं जाता, महकता है, बच्चे इसलिए खाना नहीं खाता स्कूल में, रोज दोपहर को खाना खाने के लिए घर चल जाते हैं। खराब खाना होने के चलते बच्चे घर में जाके खाते हैं। जितना बच्चे है क्वांटिटी के हिसाब से बनाया भी नहीं जाता है, किसी बच्चे को खाना पड़ता है किसी बच्चे को नहीं पड़ता। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पीहू देवी है, मेरे बच्चे का नाम प्रकाश कुमार है। क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि या तो खाना बंद करवा दीजिए सबसे अच्छा है, क्योंकि खाना यहाँ से ढंग से कभी बनेगा नहीं, यहाँ का जो स्थिति है। मामला था किस चीज का, हंगामा हो रहा है? हाँ, बच्चों द्वारा बताया गया कि बच्चों को खाना में कीड़ा मिला है, तो हम लोग आए देखे। आज का खाना सभी गार्जियन के बीच में भी अभिभावक ने खुद से देखा, कोई कीड़ा नहीं मिला है, बता रहे हैं कि पहले मिला है लेकिन आज का खाना में कोई कीड़ा वगैरह नहीं मिला। आए MDM पदाधिकारी, एक 35 में वो आए थे, मेरा 31 का ओवर हो जाता है टिफिन। उन्होंने बोला कि आपने क्लास क्यों नहीं लगाया, तो वही बात हुई कि उस दिन भी कल भी ना बच्चे लोग बोले कि कीड़ा है, बोले दिखाओ तो दिखाए नहीं, बोले फेंक दिए और बोला कि और एक उसमें भी था लेकिन लेने में वो फिर अंदर चला गया मिला नहीं। तो हम लोग बोले कि बच्चा लोग मतलब वही चर्चा कर रहा कीड़ा है तो आपने देखा, हम बोले नहीं देखा, इसीलिए बच्चा खाना खाने घर चला गया इसलिए नहीं लगा पाए क्लास। और वही सुबोध सर हैं, वो बोले खाना में कीड़ा निकल गया सर, इसीलिए वो जो ऐसा बोले न बोले कि जब मैडम आप देखी हैं हमसे पूछा गया, हम बोले नहीं दिखाया बच्चा, तो जब दिखाया नहीं गया इसका मतलब ये कह रहे हैं कि नहीं मिलाए। उसके बाद ऑफिस में बोले कि आप ये बोल रहे थे कि कीड़ा निकला है, गलत बोल रहे हैं आप, लिख के दे दीजिए कि कीड़ा निकला है या नहीं निकला है। नहीं, लिख के दीजिए कि कीड़ा निकला नहीं है, इन्होंने मिलाया है इसलिए ये कह रहे हैं। किन के ऊपर मिलाने का आरोप लगा? सुबोध कुमार कौन है? अच्छा, उन्होंने जबरदस्ती बोले लिखिए आपको लिखना पड़ेगा, वो ऐसा बोले हैं आपके सामने बोले हैं ना कीड़ा नहीं निकला है, क्यों नहीं दीजिएगा? अब बच्चे एक तरफ दिखा रहे हैं कीड़ा की ये थाली में निकला हुआ है बोल रहे हैं, और आप परसों का जी कल की बात। अच्छा, मैंने लगातार ये सब कीड़ा का आके कह रहे हैं कि सर हम लोगों ने देखा है, बोले तुम लोग जाओ, तुम लोग से नहीं पूछ रहे, हमको बोल रहे हैं कि आप ताला लगा के रखी थी, हाँ रखे थे, तो फिर कीड़ा क्यों निकला, कैसे निकला, इसका मतलब आपके टीचर दे रहे हैं उसमें, आपका रसोईया कुछ कर रहा है या कोई बच्चा कर रहा है। अच्छा, भारत के उत्तर पश्चिम इलाके में भीषण बारिश से तबाही है, लेकिन भारत के ही मैदानी इलाकों में सुखाड़ की मार पड़ी है। बात बिहार और झारखंड की करें तो वहां की सरकार ने अपने प्रदेश में सुखाड़ की घोषणा कर दी है, इस बाबत डीजल अनुदान का प्रावधान भी कर दिया है, लेकिन अभी जो जमीनी हकीकत आपको दिखाने जा रहे हैं
वो चौंकाने वाली है। बात भागलपुर के दक्षिण इलाके में बहने वाली दो नदियों की है। एक नदी चानन है और दूसरी नदी अंधरी है। बरसात के मौसम में भी दोनों नदी सूखी पड़ी है। इलाके के किसान परेशान है। सुनिए उनकी आप बीती। आज से 20 साल पहले तो दोनों नदी का बहुत अच्छा स्थिति था, क्योंकि पानी होता था, बिहार में पानी नदी से चला जाता था, बालू भी होता, लेकिन बालू उठा के चलते ही पानी का एक बड़ा समस्या हो गया। ये सीजन कौन सा है? ये तो अभी आपका रोपा का सीजन चल रहा है, सावन में पानी है? नहीं, खेत में पानी जरा भी नहीं है, नदी में बिचड़ा बिचड़ा मर रहा है, नदी में भी पानी नहीं के बराबर है। क्या उगाइएगा? जब बिचड़ा ही मर जाएगा तो फिर फसल क्या होगा सर? क्या खाइएगा? क्या खाएंगे तो ऊपर वाला ही जाता। कैसे खुद को बचाइएगा? तो समझ में नहीं आ रहा है कैसे बचेगा सर। एक तो अगले साल मारा हुआ है तो अभी तक हम लोग झेल रहे हैं, इस साल अगर मारा हो गया तो फिर क्या होगा वो तो कहना ही कठिन। डीजल अनुदान सरकार, तो डीजल अनुदान से क्या होने वाला है सर? डीजल अनुदान से कुछ होने वाला है? ये बताइए, चांदन और अंधरी आपके वरदान है या अभिशाप है? बीच में है। नहीं नहीं, नदी आपके लिए फायदेमंद है कि घाटे का सौदा हो गया? अभी तो घाटे है, ये नदी का बल्डू सब खत्म हो गया, पानी नहीं है। नहीं, पानी नहीं, पीने के लिए भी पानी मुश्किल है हम लोगों का। खेती बाड़ी बरसात आता तो होता है, और नहीं बरसात हो तो मर जाता है। नदी की स्थिति कितना दिन से देख रहे हैं आप? ये स्थिति 10 साल से हो रहा है, जबकि बालू उठ गया नदी से। 10 से बेसी है, 10 साल 15 साल पहले पानी आ जाता था। हाँ, पहले पानी आता था, नदी नहीं खुदाई था। क्या खाइएगा, क्या उपजाइएगा, कैसे उपजाइएगा? वही तो सोचते हैं, पौर तो डीजल लगाए थे नदी में, नहीं तो वर्षा हुआ तो पानी नदी से धान रोपे थे थोड़ा सा कर, और आधा दे बिहार तो पड़ती रह गई है। अबरी बार क्या सीन देख रहे हैं? अबरी तो वो भी नदी में पानी नहीं आया, नहीं वर्षा हो रहा है, बिजड़ा किसी तरह से बचा रहे हैं अभी। खेती बाड़ी तो पानी नहीं है, खेती बाड़ी कैसे होगा? पिछले साल हुआ था? पिछले साल भी नहीं हुआ है, इस बार भी संभावना क्या देख रहे हैं? इस बार वर्षा भी नहीं पड़ रहा है, नदी में भी पानी नहीं आ रहा है, बिजड़ा कोई तरह से मोल पानी लेकर के बचा रहा है अभी तक। आगे क्या होगा, अभी तो बरसे नहीं हो रहा है। दोनों टाइम खाना घर में पक रहा है, के टाइम पका के खा लेते हैं दोनों टाइम? कोई तरह से चल रहा है अभी। कोई दिन ऐसा भी हुआ है कि खाना नहीं पका? हाँ, वो तो होता है। क्या क्या अनाज वहाँ रहेगा तब ना, अनाज जिस दिन नहीं हुआ तो नहीं होता है जाकर के। तो क्या खा के रह लेते हैं? कुछ नहीं, कुछ तो खाने पड़ता है, मकई का सत्तू तो खाता है, कोई तरह से चलता है। मेरे बगल से तो अंधरी और चानन दोनों बगल से जा रहा है, हम लोग बीचे में हैं। नदी में पानी नहीं है? नहीं, पानी तो कुछ भी नहीं है। सरकार अगर कह रही है कि हम डीजल अनुदान देंगे ताकि आप धान का बिचड़ा बचाइए और खेत में रोपाई करिए, तो हम अनुदान लिए हैं? अभी एको बार अनुदान नहीं मिला है। कैसे लिया जाता है जानते हैं? नहीं, वो भी नहीं जानते हैं। किसी से नहीं पूछे? नहीं पूछे थे एक बार किसान सलाहकार से, लेकिन किसान सलाहकार बोला कि मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। इस बार भी, अब की बार तो अभी कुछ नहीं मिला है अभी हम लोग को। अच्छा, एक बात होता है, ये डीजल अनुदान देने से खेती जो होता है वो सही हो पाता है? पर्याप्त है पानी? पानी तो अब ऊपर मशीन पानी नहीं उठा पाता है, तो कहाँ से होगा? कहाँ नहीं पानी उठा पाता? पानी तो यहाँ 60 फीट लीटर नीचे चला गया है पानी, और नीचे जा रहा है। हाँ, और नीचे ही जा रहा है। भागलपुर जिले में मौसम की बेरुखी से किसान काफी परेशान दिख रहे हैं। मानसून के दौरान बारिश नहीं होने से जिले में अभी तक 8% ही धान की खेती हो सकी है। सुल्तानगंज प्रखंड के कटहरा, रघुचक, अन्हार, मोथाबाड़ी, आजाद नगर, कुमेठा, निसरपुर, बादामचक, नयागांव, उधाड़ी, माधोपुर, सादपुर सहित दर्जनों गांव के सैकड़ों किसान बारिश नहीं होने से परेशान हैं। किसानों की माने तो उन्होंने किसी तरह धान का बिचड़ा अपने खेतों में लगाया था, लेकिन बारिश नहीं होने के कारण खेत में दरार आ गया है और अब बिचड़ा बर्बाद हो रहा है। दूसरी ओर किसान सिंचाई के लिए नलकूप की कोई व्यवस्था नहीं होने से जिला प्रशासन और राज्य सरकार पर भी काफी आक्रोशित हैं। हम आपको बता दें कि अभी पुक्न सत्र चल रहा है, जो बारिश के लिए सबसे अनुकूल माना जाता है। भगवान के भरोसे खेती होती है यहाँ पर, जो है सो बिचड़ा मर रहा है, हम लोग का जो है सो हालत पूरी तरह से खराब है। भगवान के भरोसे, इंद्र भगवान ने जो है सो कृपा अगर किया होता तो हम लोग का ये स्थिति नहीं होता, बिचड़ा नहीं मरता। खेत में तो बिचड़ा के खेत में बैठा हुआ हूँ और दरार फटा हुआ है, देखा जाए कि क्या परिस्थिति है।
यही हमारा कहना है, क्योंकि जो है भगवान कृपा करें और सरकार जो है सो पानी की व्यवस्था करे। परेशानी तो यही है, पानी नहीं हो रहा है, भगवान भी नहीं दे रहा है, इसलिए सरकार इसका व्यवस्था करे पानी का। काफी परेशान, काफी परेशान हूँ, मर रहा हूँ। प्रधानमंत्री स्वनिधि आत्मनिर्भर योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को बिना ब्याज का 10,000 रूपए ऋण मिलेगा। बकायदा ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसके लिए कवायद शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ओर से आसपास के स्ट्रीट वेंडरों को ब्याज मुक्त कर्ज देने के लिए भागलपुर के हबीबपुर में अवस्थित साई मंदिर परिसर में साई बाबा के वार्षिक महोत्सव के उपलक्ष्य में गुरुवार को ऋण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में करीब 50 की संख्या में आए महिला और पुरुष वेंडरों ने ब्याज मुक्त ऋण के लिए आवेदन दिया। इस दौरान बैंक ऑफ महाराष्ट्र के वीसी सत्यदेव कुमार ने बताया कि लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए और अपने छोटे व्यापार को बढ़ावा देने के लिए फिलहाल 10,000 रूपए का ब्याज मुक्त कर्ज मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस रकम को तय समय में चुकाने के बाद पुनः इससे अधिक राशि का ऋण लेने के लिए वो पात्र हो सकेंगे। भाजपा नेता मनीष यादव ने बताया कि सब्जी बेचने वाली गरीब महिला, ठेला पर सामान बेचने वाले छोटे वेंडर और कई मजदूर महिलाओं और पुरुषों ने उनसे अपने व्यापार को बढ़ाने और कई लोगों ने स्वरोजगार करने के लिए बैंक से ऋण उपलब्ध करवाने के लिए उनसे संपर्क किया था, जिसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बड़े अधिकारियों से संपर्क कर यहां ऋण शिविर का आयोजन किया गया। इससे पहले पिछले 3 दिनों से मंदिर परिसर में ही आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए शिविर का आयोजन हुआ था। वहीं इसके साथ ही आगामी 28, 29 और 30 जुलाई को साई मंदिर परिसर में होने वाले वार्षिक महोत्सव में शामिल होने के लिए साई भक्तों से अपील भी की है। तहत मोदी जी की योजना तो आयुष्मान कार्ड, मेडिकल कार्ड, गरीबों के बीच में जो गरीब इलाज के बिना जिनकी मृत्यु हो जाती है, उसके लिए 24 से 26 जुलाई हमने शिविर लगवाया। उसमें सैकड़ों लोग लाभ उठाए, सैकड़ों लोगों का कार्ड बना। साथ ही साथ ग्रामीणों का बहुत दिन से ये रिक्वेस्ट हो रहा था कि सब्जी बेच रहे हैं, महाजन से पैसा लेना पड़ता है, इसलिए हम बैंक अधिकारी से ऊपर लेवल से बात करके आज हम इस कैंप को मेले में लगाए हैं कि इनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके। और इसमें करीबन 50 लोगों का अकाउंट ऑनलाइन खुल चुका है अभी तक, और सैकड़ों लोगों का खुलने का संभावना है, जिसको वेंडर लोन के तहत 10,000 रुपया प्रति व्यक्ति को बिना कोई खर्च का उपलब्ध हो रहा है, और आगे उनका लिमिट भी बढ़ेगा और उनको लाभ भी होगा और बिना इंटरेस्ट का है, इसका लाभ जनता के बीच जाएगा। आने वाले दिनों में और कहीं कैंप लगाने की इसे कोई आइडिया है क्या? अगर पब्लिक का मांग रहा और ग्रामीणों का सहयोग रहा, सभी साईं भक्तों एवं सभी हमारे साईं समिति करेला का सहयोग रहा, तो पुनः एक बार और भी बड़े पैमाने पर इस शिविर को लगाया जाएगा। अपना परिचय, मनीष कुमार यादव, भारतीय जनता पार्टी। भागलपुर में ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वीमेंस एसोसिएशन का दूसरा जिला सम्मेलन जिला सचिव रेणु देवी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। भागलपुर जिला सम्मेलन न्याय और बराबरी के लिए संघर्ष तेज करो के नारे पर आधारित थी। ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वीमेंस एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने मणिपुर में हुई आदिवासी जाति की महिलाओं पर अमानवीय तरीके से जो घटना घटित हुई है, उस पर उन लोगों ने केंद्र सरकार को कोसते हुए कहा कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार दोषियों को सजा दे, वरना जनता चुप नहीं बैठ वाली। जिस तरह से पूरे भारतवर्ष में जघन्य अपराध और घृणा काम हो रहा है, मानव जाति इससे शर्मसार हो रही है। सुल्तानगंज के अजगैवीनाथ गंगा घाट एवं नमामि गंगे घाट में श्रावणी मेला में गंगा का जलस्तर लगातार 2 दिन बढ़ने के बाद बाढ़ नियंत्रण विभाग के द्वारा बैरिकेडिंग सही नहीं करने के कारण कांवरियों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं सिल्लीगुड़ी के कांवरिया ने बताया कि गंगा घाट में बैरिकेडिंग टूटने पर गंगा स्नान करने में काफी परेशानी हो रही है। कई कांवरिया गंगा स्नान करने के दौरान डूबने से बाल बाल बचे हैं। जिला प्रशासन द्वारा इस पर ध्यान देने की जरूरत है, जिससे कांवरिया गंगा स्नान करने के दौरान सुरक्षित रहे। वहीं जिला प्रशासन द्वारा गंगा घाट में बैरिकेडिंग एवं जियो बैग की जिम्मेदारी बाढ़ नियंत्रण विभाग को दिया गया है, लेकिन बाढ़ नियंत्रण विभाग के द्वारा गंगा घाट में एक भी जियो बैग नहीं दिया गया है और बैरिकेडिंग टूटने पर कांवरियों को गंगा स्नान करने में काफी परेशानी हो रही है। तो हर वर्ष की तरह जो गंगा घाट में जो तैयारी की गई थी वो तो दिखने में सुंदर है, लेकिन थोड़ा और व्यवस्था होना चाहिए। जी जी, बैरिकेडिंग थोड़ा टूट गई है, उसको होना चाहिए। ध्यान नहीं दिया गया हुआ है इसके लिए। बाढ़ नियंत्रण का जो है लापरवाही है, यहाँ का प्रशासन का लापरवाही है।
सरकार का लापरवाही है। तो गंगा स्नान करने में आनंद है, ऐसा आनंद है गंगा स्नान में जो मौसम कांवरियों को ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर परेशानी होगी इससे? परेशानी तो होना ही होगी, सबको ही होगी। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में श्रावणी मेला में 85 किलो का शिव जी की साधना लीन विशाल कांवर प्रतिमा कलकत्ता हावड़ा से लेकर कांवरिया पहुंचे। इस दौरान कांवरिया उत्तरवाहिनी गंगा में पूजा पाठ किए, जिसके बाद बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुए। कलकत्ता हावड़ा कांवरिया ने बताया कि श्रावणी मेला में हर वर्ष अजगैबीनाथ धाम से गंगा जल लेकर देवघर वैद्यनाथ धाम जाते हैं। हर वर्ष अलग अलग रूप का कांवर लेकर जाते हैं। इस बार शिव जी की साधना में लीन 85 किलो का विशाल कांवर लेकर वैद्यनाथ धाम की यात्रा पर निकले हैं। बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाएंगे। बाबा भोलेनाथ हम सबों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, इसलिए हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अजगैबीनाथ धाम आए हैं। साथ ही बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, नेपाल, डिब्रूगढ़, आसाम, बंगाल के हजारों कांवरिया अजगैबीनाथ धाम से गंगा जल लेकर वैद्यनाथ धाम के लिए बोलबम के जयकारों के साथ रवाना हुए। हर साल आते हैं आप लोग तो अलग अलग कांवर या इस तरह का? अगले साल भी हम लोग आए थे 2019 में, जिस समय भी हम लोग मूर्ति लेकर के आए थे, लेकिन थोड़ा कुछ अलग डिजाइन का था, लेकिन इस बार इससे भी थोड़ा हटकर बनाया हुआ है। इस बार क्या बनाए हैं आप लोग? ये वाले साधन करते हुए शिव जी हैं जो साधना में है, वही वाला इस बार हम लोगों का थीम था, वही हम लोग बनाए खुद से बनाते हैं। तो कितने का वहाँ के जो मूर्ति बनाने वाले हैं उनको? कितने का वजन कितना होगा इनका? इसका वजन है आपका 85 किलो। 85 किलो कितने का जत्था है आप लोग कांवरिया का? हम लोगों का करीबन 40। मणिपुर में आदिवासी महिला के साथ अत्याचार करने के विरोध में भागलपुर के कहचारी चौक पर राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद द्वारा भारत मुक्ति मोर्चा एवं बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा प्रतिरोध मार्च निकाला गया। उन लोगों का कहना था कि मणिपुर में जो आदिवासी महिलाओं के साथ जघन्य अपराध हुआ है उसकी भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन केंद्र सरकार जल्द से जल्द दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दे, अन्यथा यह प्रतिरोध मार्च और विकराल रूप धारण करेगा। जब तक दोषियों को सजा नहीं मिल जाती तब तक हम लोग शांत नहीं बैठने वाले।